आज हम आपको भारत में आर्थिक चुनौतियाँ पढ़ाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं, इसको चतुर्थ सेमेस्टर में भारत में आर्थिक अर्थव्यवस्था की चुनौतियां मैं समस्याएं एक तरह से भी आप समझ लीजिए। भारत में अर्थव्यवस्था की चुनौतियां इस लेसन का नाम आपके है। जब देश हमारा गुलाम था तो देश विदेश के जितने भी बाहरी लोग आए यहाँ पर, उन्होंने हमारे देश को लूटने का काम किया और यहाँ की जो मूल निवासी लोग थे, यहाँ की निरीह जनता को लूट लूट करके यहाँ के देश के नागरिकों को विपन्न बना दिया, गरीब बना दिया। लेकिन जब स्वाधीनता के बाद हमारे देश में अर्थव्यवस्था के विषय में सोचा गया कि कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण देश की अर्थव्यवस्था क्या है, देश की अर्थव्यवस्था हमारी जो नाजुक बनी हुई है, तो उसमें प्रमुख रूप से भारत में गरीबी, जनसंख्या, बेरोजगारी और साक्षरता प्रमुख रूप से जो इसकी चुनौतियां थी। भारत में पहली चुनौती थी गरीबी, दूसरी थी जनसंख्या, तीसरी थी एक बेरोजगारी और चौथी थी जो साक्षरता, क्या इसमें साक्षरता दर ठीक है। यही ये चुनौतियां थीं। तो गरीबी का निर्धारण कैसे किया जाए, टेट और सुपर टेट में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इस आर्थिक अर्थ वाला जो आपका अर्थशास्त्र वाला चैप्टर शुरू हो रहा है इसका, भारत में गरीबी का निर्धारण दो आधारों पर किया जाता है। पहले तो पौष्टिक भोजन के आधार पर किया जाता था कि गाँव में रहने वालों को 2400 कैलोरी और जो गांव से बाहर रहते हैं शहरों में उनको 2100 कैलोरी यदि भोजन प्राप्त होता है तो उस व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाए। लेकिन अगर 2400 कैलोरी से कम और 2100 कैलोरी से कम भोजन प्राप्त करता है कोई व्यक्ति तो उसको क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। लेकिन कालांतर में योजना आयोग ने इस प्लानिंग को चेंज कर दिया और उसने यह निर्धारित किया कि नहीं, इसको रुपयों में चेंज कर दिया जाए। तो गांव के लिए उसने निर्धारित किया 107 रुपये और शहरों के लिए 123 रुपये। यदि पर डे जो व्यक्ति कमाता है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। इसी तरह से फिर उसकी परिभाषा को चेंज कर दिया गया और राज्यों के वार्षिक आय के आधार पर निर्धारण किया गया कि नहीं, कोई भी व्यक्ति 13,900 गाँवों पर और 16,900 शहर में यदि वार्षिक आय प्राप्त करता है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। इसका मतलब तीन आधार पर निर्धारण किया गया। पहला क्या था, कैलोरी के आधार पर कि यदि कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी भोजन प्राप्त करता है तो इसका मतलब कि वो गरीब नहीं है। और शहर में 2100 कैलोरी, चूँकि शहर में फिजिकल वर्क उतना नहीं रहते इसलिए वहाँ की कैलोरी को क्या कर दिया, घटा दिया गया। लेकिन फिर उसको रुपयों में चेंज किया जाता कि नहीं, 107 रुपया गांव में कमाने वाला और 100 जो क्या नाम से 23 रुपया शहर में कमाने वाले व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाएगा। इस तरह का निर्धारण करने के बाद जब ये सारी बातें आती हैं तो 2004-05 में एक आंकड़ा दिया गया कि देश में लगभग 23 करोड़ व्यक्ति क्या हैं, व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गरीबी रेखा से नीचे एक राशन की दुकानों पर आप लोग यदि लेने जाते होंगे राशन वगैरह, तो पहले
एक कार्ड चला करता था, शायद अब भी होगा, एक APL कहा जाता था और दूसरा क्या कहा जाता था, BPL। APL मीन्स अपर पुअर्टी लाइन, मीन्स गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले, और BPL वेरी पुअर्टी लाइन मीन्स नहीं बिलो पुअर्टी लाइन, वेरी नहीं, बिलो मीन्स नीचे, ए से अपर माने गरीबी रेखा की एक लाइन बना दी गई, इससे ऊपर यदि कोई जो है क्या नाम से जीवन यापन करता है तो उसको APL में रखा गया, और जो इससे नीचे रखता है उसको BPL में, और जो इसी पर केवल आकर के टिका हुआ है वो गरीब वो भी है, बराबर उसको माना गया, लेकिन ना तो उसको ऊपर माना जाता और ना ही नीचे माना जाता। इसलिए APL और BPL की बातें आती हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको कहा जाता है। इसमें भारत में सबसे यदि गरीब राज्य की बात आती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो उड़ीसा को माना जाता है। प्रतिशत के आधार पर यदि देखा जाए तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा गरीब राज्य जो भारत का है वो कौन, उड़ीसा, जहाँ 46.6% करीब गरीबी पाई जाती है। दूसरे नंबर पर बिहार आता है जहाँ 41 point something गरीबी पाई जाती है, और तीसरे पर छत्तीसगढ़ आता है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर काउंटिंग की जाती है तो सबसे गरीब प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश आएगा, प्रतिशत में नहीं। जब आप जनसंख्या की बात, चूँकि जनसंख्या की दृष्टि से उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ तीनों उत्तर प्रदेश से क्या हैं, छोटे हैं, लेकिन प्रतिशत में उनका ज़्यादा है गरीबी। लेकिन जब आप जनसंख्या में देखते हैं तो लगभग करीब हमारे उत्तर प्रदेश में 5.90 crore लोग क्या हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे। गरीबी रेखा से नीचे का मतलब आप लोग ये समझ लीजिए क्या होता है, गरीबी रेखा का मतलब से नीचे का मतलब कि जो व्यक्ति अपने दैनिक उपभोग की वस्तुएं जो नहीं प्राप्त कर पाता है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं का मतलब क्या होता है कि जैसे उसको रोटी, कपड़ा और मकान तथा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध यदि नहीं हो पाती तो वह व्यक्ति क्या होता है, वह गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहा है। इसका मतलब कि उसका गरीबी का स्तर इतना निम्न है कि अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी वो पूरा नहीं कर पा रहा। एक सापेक्ष गरीबी होती है, सापेक्ष गरीबी, और एक निरपेक्ष गरीबी होती है, मतलब कितना है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है कि जब हम दो देशों की गरीबी की तुलना करते हैं, दो देशों के व्यक्तियों के, जैसे अमेरिका में एक व्यक्ति की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय क्या है और भारत में जो है एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय क्या है, यदि अमेरिका की 40,000 है और भारत की 10,000 है तो इन दोनों के जब हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो कौन सा देश गरीब माना जाएगा, वो भारत का व्यक्ति गरीब माना जाएगा क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है। यह सापेक्ष गरीबी है। और निरपेक्ष गरीबी की बात आती है कि निरपेक्ष गरीबी का मतलब ये होता है जिस गरीबी में व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य सुविधाएं, ये दिन 3-4 चीज़ों को उपलब्ध हो नहीं कर पाता तो इसको हम का किस नाम से जानते हैं, इसको हम निरपेक्ष गरीबी के नाम से जानते हैं। थैंक यू। अगले दिन हम भारत में गरीबी का कारण बताएंगे।